हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेजर लिमिटेड अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा, हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन, जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पर दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत सी रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग पहले पढ़ रखे हैं, तो इसलिए रिएक्शन रिपीट होंगी। तो आपको बार बार रिएक्शन रिपीट होगी तो आपको जो पुराना रिएक्शन है उसका रिवीजन भी होगा, और साथ ही आपको ध्यान रखना क्योंकि इसका नाम क्या बोला, कार्बोक्सिलिक एसिड बोला, यानी ये एसिडिक कैरेक्टर होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वह अल्कोहल और फिनॉल से ज्यादा होता है, लेकिन उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मिनरल एसिड जैसे HCl, HNO3 इनसे क्या होती है, कम होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे एसिडिक केमल 4 या K2CO2 से, तो प्राइमरी अल्कोहल पहले कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो वह कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट रहेंगे, तो वही बता रहा है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो जब RCH2OH का हमने ऑक्सीडेशन किया तो पहले बना क्या, एल्डिहाइड। पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दूसरा क्या है, ये हम लोगों ने बहुत जगह डिस्कस किया, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोसिस, यानी RCN या CN ग्रुप का यदि हम कंप्लीट हाइड्रोसिस करते हैं, यदि आपको याद हो हमने बताया था कंप्लीट हाइड्रोसिस और इनकम्प्लीट हाइड्रोसिस। यदि साइनो कंपाउंड का इनकम्प्लीट हाइड्रोसिस करेंगे तो एमाइड बनेगा, और यदि कंप्लीट हाइड्रोसिस करेंगे तो CN ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COH में। तो वही आपका है CH3CN का हमने कंप्लीट हाइड्रोसिस किया है तो कन्वर्ट हो गया किसमें, CH3। ये तो ऐसा रहेगा तो CN ग्रुप आपका होगा किसमें कन्वर्ट हो गया, COH में एटलाइज हो गया और NH3 प्राप्त हुआ। तो साइनाइड का यदि नाइट्राइल का कंप्लीट हाइड्रोसिस करेंगे तो वह कन्वर्ट होगा COH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन में हमने पढ़ रखी है, ये भी रिएक्शन में पहले पढ़ रखी है। आगे बात करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्ट, ये भी रिएक्शन में पढ़ रखी है। इसमें क्या होता है, ग्रिग्नार्ड मतलब RMGX, और आपको पता है RMGX में क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है और ये वाला क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहाँ क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा इस पर, तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड खुल जाएगा, तो फॉर्म क्या होगा, RC OOMGX, और जिसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो MGX हट जाएगा और यहाँ पर H लग जाएगा। तो यह भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड है, ये भी हमने सब पहले कर रखा है। आगे बात करें नेक्स्ट मेथड क्या है, फ्रॉम 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बड़ा एक कॉमन कॉन्सेप्ट हमने बताया था पहले भी, आप भी ध्यान रखिए कि एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप या एक से ज्यादा COH ग्रुप नहीं रह सकते, वह अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसने बात किया 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बताया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर अटैच्ड ऑन द सेम कार्बन ऑन हीटिंग गिव मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अनस्टेबल होता है तो हीट करने पर CO2 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, CO2 रिलीज जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। देखिए CH2COH इसी कार्बन पर एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, एक ये लगा है, जब हीट करेंगे क्या हो रहा है, तो CO2 निकल जाएगा, तो ये वाला H यहाँ पर रहेगा, तो क्या हो जाएगा CH3COH, क्या हो जाएगा CH3COH, और CO2 रिलीज जाएगी, गैस रिलीज जाएगी। इतना पहले आप कॉपी करिए बेटा, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा, इधर कॉपी कर लिया सेट का। अब हम अगला मेथड बात करते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगला क्या होगा, नेक्स्ट मेथड एक नेम रिएक्शन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। अर्निड एस्टर सिंथेसिस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना वेरी लगाए उतना कम है इस रिएक्शन के लिए, स्टार भी जितने लगाए उतने कम है। अर्निड एस्टर रिएक्शन में क्या होता है, इसमें बेटा क्या करते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं। क्या होता है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वह उसके अपने हायर होमोलॉगस में कन्वर्ट होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना या घटाना की रिएक्शन होती बहुत इंपॉर्टेंट रहती है।
तो इसमें क्या करते हैं, पहले कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिल एसिड को किसमें, एसिड क्लोराइड में, फिर CH2N2 से रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद उसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक हायर होमोलॉगी में कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिल एसिड के। तो क्या होगा ये, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट एंड कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, बहुत ध्यान रखिए क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिसाइक्लिक भी हो सकता है और हेट्रोसाइक्लिक, यानी है चाहे जिसमें हो सभी में ये रिएक्शन है, इनटू नेक्स्ट हायर होमोलॉगी, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एलिसाइक्लिक हो, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, हेड्रोसाइक्लिक हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो नेक्स्ट हायर होमोलॉगी में कन्वर्ट होगा इस रिएक्शन के द्वारा, अनिट स्टर्ड रिएक्शन। क्या होता है इसमें बेटा, कैसे करते हैं इसमें कन्वर्जन, तो इसमें क्या होता है, इसकी रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, क्या होगा, एक सिंपल इसका रिएक्शन लिखा रहा है, RCOH पहले कन्वर्ट होगा किसमें, एसिड क्लोराइड में, किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, SOCl2 से कराएंगे तो कन्वर्ट होगा ये एसिड क्लोराइड में, फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं CH2N2 से, इसे कराते हैं CH2N2 यानी डाइएजोमेथेन से कराते हैं CH2N2 से, तो ये कन्वर्ट कराता है किसमें, रीअरेंजमेंट होगा और तब बनता है कीटीन, क्या बनता है, तब बनता है कीटीन, फॉर्म होता है RCH CO, ये क्या होता है कीटीन। ध्यान रखिए पूछ सकता है आपसे कि अनिट स्टर्ड सिंथेसिस में क्या फॉर्म होता है, तो कीटीन फॉर्म होगा, पहले एसिड कन्वर्ट हुआ एसिड क्लोराइड में, फिर आपने डाइएजोमेथेनेशन कराया तो RCOCH2 होगा, फिर आपका वुल्फ रिएजमेंट होगा तो कीटीन प्राप्त होगा, इसका जनरेशन कराएंगे किससे, वाटर से, किससे कराएंगे बेटा, वाटर से, तो आपको मिलेगा RCH2COH। ध्यान रखिए क्या हुआ बेटा आपका कन्वर्जन, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट किया गया एसिड क्लोराइड में, फिर डाइएजोमेथेनेशन करा के बनाया आपका ये, फिर वुल्फ रिएजमेंट करके बना आपका कीटीन, और इसमें कराया तो आपका बना कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट हायर होमोलॉगी है ये बेटा RCOH है, इसमें एक CH2 ग्रुप क्या और बढ़ गया, नेक्स्ट हायर होमोलॉगी है, यदि आप इसमें R की जगह CH3 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3CH2COH, मतलब एसिटिक एसिड से प्रोपोनोइक एसिड बन जाएगा आपका, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन, एक नंबर ऑफ कार्बन पर रिएक्शन इंक्रीज होगा, इसलिए रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया, इधर का कॉपी कर लिया था। अब हम बात करते हैं इसमें इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज की, बॉइलिंग पॉइंट की, इन सब पर भी क्वेश्चन आता है, क्यों ज्यादा है क्यों कम है उसकी बात करते हैं। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड have higher boiling point than alcohol, carboxylic acid have higher boiling point than alcohol, alcohol में बेटा hydrogen bond बनता है carboxylic acid, लेकिन यहाँ क्या होता है carboxylic acid diver form में रहता है, क्यों होता है,
ऑफ सेम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ड्यू टू डाइमराइजेशन कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल ऑफ सेम मॉलिक्यूलर, सेम मॉलिक्यूलर वेट का कार्बोक्सिलिक एसिड हो और अल्कोहल हो तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि उसमें डाइमर फॉर्म रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ, ये बेटा क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म होता है, इसकी वजह से क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन, इधर पॉइंट ध्यान रखने बेटा आपको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको पता है जस्ट रिवीजन के लिए, एसिड आर एसिडिक, आर एसिडिक एंड टर्न ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर को यह रेड में कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर होने की वजह से। और हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, क्या है अगला पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल एंड एल्कोहल, एल्कोहल और फिनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म इक्विवेलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि फिनॉल भी मतलब फिनॉक्साइड आयन भी आपका रेजोनेटिंग शेप फॉर्म करता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रेजोनेशन होता है वो क्या होता है इक्विवेलेंट होता है, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल होता है, और जब आपका आयन उससे ज्यादा स्टेबल होगा तो इसके मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होगी। कैसे बेटा देखिए सिंपल से एग्जांपल लेते हैं एसिड का, जैसे CH3 सी डबल बॉन्ड OH है ये रिलीज करेगा तो CH3 सी डबल बॉन्ड O-माइनस प्लस H प्लस होगा, तो ध्यान दीजिए यदि ये यहाँ से यहाँ जाए तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा CH3CO- डबल बॉन्ड O, ये दोनों क्या है दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों ही क्या है बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन क्या होता है ज्यादा होता है फिनॉल और एल्कोहल से, क्योंकि फिनॉल जो होता है वो फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करता है और वो भी रेजोनेशन फॉर्म करता है लेकिन वो इक्विवेलेंट रेजोनेशन नहीं होता। ठीक आगे बात करते हैं, बट कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल और एल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड है बट वीकर एसिड देन इनऑर्गेनिक एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, HNO3। कार्बोक्सिलिक एसिड इन सबसे वीक एसिड होता है, एल्कोहल और फिनॉल से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है लेकिन HCl, HNO3, H2SO4 से क्या होता है वीक एसिड होता है, इनऑर्गेनिक एसिड से वीक एसिड होता है लेकिन बाकी जो ऑर्गेनिक एसिड है जैसे एल्कोहल और फिनॉल उनसे ज्यादा एसिडिक होता है। अब सिंपली समझिए यदि हम बात करें
तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन और H प्लस, ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन, यानी हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, कोई दिक्कत, ये नेगेटिव चार्ज पे लगा पड़ा, वो सारे फैक्टर जो इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे वो स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को घटाएंगे, यानी जो माइनस आई ग्रुप होगा वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, प्लस आई ग्रुप जो होगा वो स्टेबिलिटी घटाएगा, प्लस आई ग्रुप घटाएगा इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी घटाएगा, इसीलिए प्लस आई ग्रुप जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्शन कम करते हैं, जबकि माइनस आई ग्रुप क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन बढ़ाते हैं। कॉपी कर लिया इससे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन होगा उस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिकेशन उतनी ही ज्यादा होगी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। थोड़ा आपको इसमें याद करने की जरूरत भी है, किस तरह से देखा जाए तो जो बेंजोइक एसिड है वह फॉर्मिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन होता है इसका रिवर्स है, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। तो इसमें क्या एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कही है, यदि एसिडिटी की बात करें तो प्रोपोर्शनल टू होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा प्लस आई पावर ऑफ द ग्रुप, प्लस आई पावर ऑफ द ग्रुप इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और माइनस आई के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई पावर ऑफ ग्रुप के क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, माइनस आई पावर ऑफ ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्लस आई पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि माइनस आई क्या करेगा, स्टेबिलिटी कार्बोक्सिलेट आयन की बढ़ाएगा, जबकि प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, स्टेबिलिटी कार्बोक्सिलेट आयन की डिक्रीज करेगा। कॉपी कर लिए बेटा, फिर आगे बढ़े, इसके मतलब HCOH का एसिडिकेशन ज्यादा, CH3COH का उससे कम, CH3CH2COH का उससे कम, जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप का पावर बढ़ता जाएगा एसिडिकेशन घटता जाएगा। और देखा जाए तो CH3CH2CH2Cl COH का ज़्यादा, क्योंकि मैं यहाँ लगा है CH3CH Cl CH2COH का उससे कम, और CH2Cl CH2CH2COH का उससे कम, क्यों होता है, क्योंकि माइनस आई ग्रुप या क्लोरीन आपका जस्ट बगल में है, इसलिए एसिडिकेशन ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा उससे दूर हुआ तो माइनस आई इफेक्ट और कम हो गया, एसिडिकेशन और कम है, और यहाँ पर सबसे दूर है तो माइनस आई पावर का स्ट्रेंथ सबसे कम है, इसलिए एसिडिकेशन इसकी सबसे कम है। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया बेटा, कॉपी कर लिया। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो बात हो रही है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें बड़े रिएक्शंस हैं, आपको रिएक्शंस याद रखनी है, समझनी है, ये रिएक्शन आपने खुद देखी है, हमने जब आपको पढ़ाया था एल्केन एल्काइन, तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने बताया था कि जब वो रिएक्शन करते हैं किससे, सोडा लाइम से, किससे करते हैं, NaOH CO से करते हैं लाइम से, तो क्या बनता है, तो बनता है आपका मेथेन और Na2CO, ये आपको बताया मैंने, रिएक्शन रिपीट हो रही है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड का रिएक्शन हम कराएंगे जब किससे, सोडा लाइम से, NaOH CO का मिक्सचर सोडा लाइम कहलाता है, तो आपको क्या बनेगा, मेथेन बनेगा,
क्योंकि ये आपका पूरा इस तरह से कंबाइन करता है ऐसे। एच यहाँ रहेगा सी एच थ्री है, एच ए लेकर सी एच फोर हो जाएगा, ये एन ए दो एन ए एन ए टू, तीन ऑक्सीजन एक कार्बन एन ए टू सी ओ थ्री हो जाएगा ठीक। और बात करें तो सी एच थ्री सी ओ माइनस एन एच फोर प्लस, इसको जब हीट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यह एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा एमाइड में, और एच टू ओ को रिलीज कर देगा। सी एस सी सी ओ माइनस एन एच फोर प्लस को जब हीट करेंगे तो एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर रिलीज कर देगा। लेकिन जब इसी काम कर देंगे डिहाइड्रेशन पी टू ओ फाइव से रिएक्शन करा देंगे तो बनेगा आपका सी एस थ्री सी एन प्लस टू एच टू ओ। तो आपको ध्यान रखना है कि रिएजेंट क्या है, सिर्फ हीट कर रहे हैं तो एमाइड बनेगा, यदि इसको डिहाइड्रेशन कर रहे हैं मतलब कि जब हीट करेंगे सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलेगा, लेकिन जब डिहाइड्रेशन करेंगे P2O5 से तो दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलेगा, तो ये कन्वर्ट किसमें हो गया, तब तो कन्वर्ट हो गया साइनाइड में, किसमें कन्वर्ट हो गया साइनाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे तब बनता है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनता है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। ये सब याद करने वाली रिएक्शंस हैं, डायरेक्ट रिएक्शन आती है, आपको इतना पार्ट लिखा रहेगा, इसके आगे आपको जो कंपाउंड है वह चार ऑप्शन में खोजना होगा, तो रिएक्शंस याद रहेंगी तो हो जाएगा, रिएक्शन याद रहेंगे बेटा तो क्या है तो आसानी से हो जाएगा। इधर कॉपी कर लिया बेटा, इस साइड कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए उन्हें फिर मैं कॉपी कर लीजिए, हो गया। हम बात करते हैं अगला, नेक्स्ट रिएक्शन है हुम्स डीकर रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम रिएक्शन तो सारी इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको बताया गया, क्योंकि उसमें कंप्लीट रिएक्शन के लिए आता है, नेम रिएक्शन पहचानने के लिए आता है। हुम्स डीकर रिएक्शन रिएक्शन, इसकी बात हमने कर रखी है जब हम लोग पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड, तो वहां पर रिएक्शन में पढ़ी है हुम्स डीकर रिएक्शन, यहाँ पर ये रिपीट हो रही है। जब सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं बेटा, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं, कैसे कराते हैं हैलोजन से रिएक्शन, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलोजन रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका एल्किल हैलाइड AgH और CO2, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, यदि हमने लिया मान लीजिए सी एस थ्री सी ओ ए जी, एसिटिक एसिड का सिल्वर साल्ट लिया है, और यहाँ पर हमने सी एल टू से रिएक्शन कराई, बी आर टू से कराते हैं, बी आर टू से कराई तो बनेगा आपका सी एस थ्री बी आर प्लस ए जी बी आर प्लस सी ओ टू। यह रिएक्शन हुम्स डीकर रिएक्शन है, इसमें सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन कराते हैं हम, किससे हम कराते हैं रिएक्शन हैलोजन से, तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, CO2 गैस रिलीज होगी और सिल्वर साल्ट हैलाइड ऑफ सिल्वर साल्ट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना है। और क्या होता है रिएक्शन ये रखने वाले ये भी हैं, यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन कराते हैं PCl3 से तो बनेगा आपका थ्री, तीन मोल चाहिए इसमें सी एस थ्री सी ओ सी एल प्लस एस थ्री बी ओ थ्री। बाई प्रोडक्ट इसमें आपको ध्यान रखना है क्योंकि रिएक्शन बदल जाती है, तो बाई प्रोडक्ट बदल जाता है, सी एस थ्री सी ओ एच रिएक्शन कराते हैं किससे, पी सी एल फाइव से, पी सी एल थ्री से बाई प्रोडक्ट अलग होगा, पी सी एल फाइव से बाई प्रोडक्ट अलग होगा, प्रोडक्ट वही होगा, इसमें ही बनेगा सी एस थ्री सी ओ सी एल प्लस पी ओ सी एल थ्री प्लस एच सी एल। और यदि कराते हैं रिएक्शन आप सी एस थ्री सी ओ एच प्लस एस ओ सी एल टू तो बनेगा सी एस थ्री सी ओ सी एल प्लस एस ओ टू प्लस एच सी एल, सी एस थ्री सी ओ सी एल प्लस एस ओ टू प्लस एच सी एल। प्रोडक्ट देखिए इसमें तीनों में ही बन रहा है आपका एसिड प्रोडक्ट, लेकिन रिएजेंट अलग है तो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। PCl3 है तो H3PO3 बन रहा है, PCl5 है तो POCl3 बन रहा है, और SOCl2 है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, ये दोनों गैसियस हैं, तो गैसियस बाई प्रोडक्ट है तो रिलीज जाएंगे, तो क्या होगा आपको सिर्फ एसिड प्राइड प्राप्त होगा।
पूछ सकता है बैच मेथड क्या है। बैच मेथड होगा कि आप एस कार्बोक्सिलेट एसिटेशन किससे कराएं, एसओसीएल2 से। ठीक, कॉपी कर लीजिए, जब कॉपी कर लिया बेटा, अब एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आया थी एनाडाइड के लिए, आपको दिया रहेगा, तो ये रटने वाली रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिए। ये आपकी है, दो मोल ऑफ कार्बोक्सिल एसिड का विधा देता है, तो ये आपने एनाडाइड बनाने की विधि एक्चुअली है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ। ये सब रिएक्शन हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो वहाँ पर यही बात होगी, क्योंकि ये एसिड एनाडाइड बनाने का मेथड है। जब दो मोल कार्बोक्सिल एसिड को हीट करते हैं, मतलब ये आपको P2O5 क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वाटर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, मतलब एसिड एनाइड्राइड, क्या बन जाएगा बेटा, एसिड एनाइड्राइड। अब यदि इसका हम रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिडक्शन, यदि हम करते हैं रिडक्शन तो क्या होगा, यदि हमने लिया सी एस थ्री सी ओ एच, करा दिया LiAlH4 से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दिया, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में, किसमें कर देगा, कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में, CH3CH2COH CH3CH2COH नहीं होगा CH3CH2OH, क्योंकि हम तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना रहे थे CH3CH2OH, तो एसिड को क्या कर देगा, एसिड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में, कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा बेटे, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कौन रिएजेंट होगा, किस में कन्वर्ट करेगा, यदि ये ध्यान रहेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब अगला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी कर लिया बेटे, कॉपी। अगला रिएक्शन क्या है कि यदि आपसे मतलब पूछ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो क्या या एल्किल लिथियम से, तो क्या होगा, इसी बात करते हैं। तो ये देखिए, यह रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, यह रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्या बेटा, यदि हम सी एस थ्री सी ओ एच की रिएक्शन कराते हैं सी एस थ्री सी एच टू एल आई एल्किल लिथियम से करा रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, पहले तो ये देखिए यहाँ से ये जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, एक मोल यदि आपको दिया तो पहले हो जाएगा आपका CH4 प्लस CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एल आई माइनस, ये बने। अब इस पर फिर रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट की C2H5Li, तो बनेगा आपका क्या, CH3CO- Li+O- Li+, और इसने अटैक किया क्योंकि ये क्या है बेटा, ये आपका वो है, तो इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर खुल जाएगा और यहाँ जाएगा आपका C2H5, इस पर आप करा देंगे आप क्या H+, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, यानी जब एल्किल लिथियम से या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो पहला मोल यूज करेंगे तो आपको तो एल्केन मिलेगा, उसके बाद जब फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो बेटा क्या होगा, आपको मिलेगा कीटोन, क्या मिलेगा, कीटोन प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, कीटोन। कॉपी कर लीजिए बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए। अब आता है अगला रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है हेल वोलर्ड जेवरेस्की रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, अल्फा हेलोजिनेशन कराने के लिए यूज किया था, इधर कॉपी कर लिया बेटा, अल्फा हेलोजिनेशन भी यूज करते हैं इसको, तो नेम रिएक्शन में जितनी आपको बताई जा रही है वो सारी नेम रिएक्शन याद रखिए, क्योंकि ये सब पे क्वेश्चन आते रहते हैं, क्या है हेल वोलर्ड जिंस्की, हेल वोलर्ड जिंस्की रिएक्शन, हेल वोलर्ड जेरस्की रिएक्शन के लिए होता है, क्या, अल्फा हेलो
ऑक्सीजनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन लग जाएगा तो वह रिएक्शन क्या कहलाती है, हेल होलर्ड जिंस्की रिएक्शन, हेल होलर्ड जिंस्की के एच बी जेड, इसको सिंपली क्या बोलते हैं, एच वी जेड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अल्फा हैलोजिनेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है, हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन लग जाता है। तो यही आपको कह रहा है, क्या कहता रहा है इसमें कंडीशन, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विथ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाई हैलोजन, अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाई हैलोजन। तो क्या होता है बेटा, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वह हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। इधर हो गया बेटा कॉपी, रिएक्शन इधर लिख रहे हैं। तो क्या होता है, तब इसको बोलते हैं एच वी जेड रिएक्शन, हेल होलर जिंस्की रिएक्शन। क्या होगा, अल्फा हैलोजिनेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हैलोजन द्वारा हो जाता है, उसे कहते हैं एच वी जेड रिएक्शन। जैसे देखिए CH3 CH2, ये बेटा आपको याद रहेगा तभी कर पाएंगे कि आपको कहाँ पर लगाना है, क्योंकि ऑप्शन आपको अलग अलग तरह देगा। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, क्या है फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हुआ, ये वाला बीटा कार्बन हुआ, इसका रिएक्शन कराया किससे, Br2 से, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, रेड पी, इन प्रेजेंस ऑफ रेड पी। तो क्या होगा, इसके अल्फा पे क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगा और हैलोजन लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3CHBrCOH। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अल्फा हैलोजनेशन होता है, इसको बोलते हैं एच वी जेड रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, एच वी जेड रिएक्शन। एक और नेम रिएक्शन है जिसमें आपको डायट पूरा ध्यान रखना है, वो है स्मिथ रीअरेंजमेंट। ये भी आपको ध्यान रखना है क्या होता है इसमें, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एमीन में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, एमीन में, कार्बोक्सिलिक एसिड को एमीन में कन्वर्ट करने का रिएक्शन है, जब CH3COH या RCOH होगा, CH3COH या RCOH जनरल बात करेंगे, किसमें आते हैं N3, हाइड्रोजोइक एसिड होता है, N3H क्या होता है, हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एमीन में, किसमें, CH3NH2 में और N2+CO2, ये होता है स्मिथ रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएंगे इसे N3H से, हाइड्रोजोइक एसिड से कराएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3N2 यानी एमीन में, और प्राइमरी एमीन बनता है N2। इसको यदि जनरली बात करें तो ये आपका हो सकता है इस तरह, हो सकता है जनरल रिएक्शन की होगी N3H तो कन्वर्ट होगा RNH2, प्राइमरी एमीन बनेगा +N2+CO2। ये आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है ये, क्या बेटा, प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। ओके, कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए बेटा, और इसी के साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। जितना आप मुझे बताएंगे बेटा, आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, कॉपी कर लीजिए बेटा, सारी चीज़ याद रखनी है, एक एक चीज़ पे ध्यान रखना है, नेम रिएक्शन में क्या रिएक्शन कंडीशन है, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, इस तरह चीज़ें यदि आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है, बार बार रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, रिएक्शन तभी आपको याद होगी जब आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप सोचें हम ओरली पढ़ के हमें याद हो जाएगी, ओरली पढ़ के रिएक्शन कभी नहीं याद होती है, उसे लिख के प्रैक्टिस करना होता है। वीडियो कैसा लगा बेटा, कमेंट जरूर मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।